छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का गुरुवार को एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इस वीडियो में सीएम भूपेश बघेल मंच से रोते हुए देखे जा रहे हैं। वे बीते 26 दिसंबर को गरियाबंद जिले के ग्राम बरूका में प्रदेश के सुप्रसिद्ध लोक गायक मिथिलेश साहू के दशगात्र कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे। उन्होंने साहू के परिजन से मुलाकात कर अपनी गहरी शोक संवेदना प्रकट की। इसके बाद जब वे मंच पर शोक सभा को संबोधित करने पहुंचे तो इतने भावुक हो गए कि उनके आंसू छलक उठे। मुख्यमंत्री जब मंच पर शोक सभा को संबोधित करने पहुंचे तो वे इतने भावुक हो गए कि मंच पर ही रो पड़े। वे उस दौरान तकरीबन 5 मिनट तक मंच पर खड़े रहे और बोलने की बहुत कोशिश की, मगर वे शोक सभा को संबोधित नहीं कर पाए। इस दौरान लगातार उनकी आंखों से आंसू बहते रहे। अंत में विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत उनके करीब पहुंचे और उन्हें संभाला। बाद में उनके नाम से शोक सभा को संबोधित करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की। बता दें कि सीएम भूपेश बघेल, विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत, जिले के प्रभारी मंत्री ताम्रध्वज साहू, कृषि मंत्री रविंद्र चौबे और विधायक धनेन्द्र साहू के साथ लोक कल्याण मिथिलेश साहू के दशगात्र कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बरूका गाँव पहुंचे थे। यही नहीं, कार्यक्रम के बाद वे मीडिया के सामने कुछ भी बोल नहीं पाए। परिजनों ने बताया कि मिथिलेश साहू के भूपेश बघेल के साथ बहुत पुराने रिश्ते हैं। संयुक्त मध्य प्रदेश में जब वे पाटन से विधायक हुआ करते थे तब से उनके मिथिलेश के साथ करीबी रिश्ते थे। यही नहीं, भूपेश उनके कार्यक्रम देखने और सुनने के लिए दूर दूर तक जाते थे। मिथिलेश का भी सीएम भूपेश के घर आना जाना था और दोनों में हमेशा गहरी दोस्ती रही। ओके, ठीक है ठीक है। चलेगा मेरा, ओके ठीक है ठीक है। चलेगा मेरा। JBD Banquets lie hai, incredible marriage palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lightning. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।